गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। हम लोगों को रूट फाइंड करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। लास्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, लास्ट के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग को रूट फाइंड नहीं करना था, हम लोग को केवल स्पीड ऑफ ट्रेन, एज ऑफ रोहन बताना था, और जो हमारे एक्स की वैल्यू आ जा रही थी वो हम लोग बोल दे रहे थे कि रूट पॉजिटिव रूट ऑफ द एज ऑफ रोहन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फाइंड करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले टर्म को हम लोग, मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं। हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं कि माइनस करने पे हमारा 3 आए और इंटू करने पे हमारा 10 आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो आप लोग को पता है, तो 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इंटू करने पे हमारा इन दोनों का इंटू आए और माइनस करने पे हमारा 3 आए। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स फर्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कैसे ब्रेक करें, देखिए 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। फिर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 5 हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, हैंस द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 एंड माइनस 2। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को कुछ ऐसा डिजिट लेना है कि माइनस करने पे 1 आए और इंटू करने पे 12 आए, ठीक है। माइनस करने पे 1 और इंटू करने पे 12। अब देखिए ऐसा क्या आएगा, माइनस करने पे 12 इंटू करने पे 1, 4 थ्री ज़ा 12, 4 माइनस 3 1, वेरी गुड। तो हम लोग इसे थोड़ा वर्ड में लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग वर्ड में लिख ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग वर्ड में लिख लीजिएगा, ठीक है। टू फाइंड, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ही में के 5-6 क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन, द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन can be written as 2x square plus x minus 6, ठीक है, is equals to क्या हो जाएगा हमारा, 2x square plus 4 minus 3x माइनस 6, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किए हैं, वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग
द मिड टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। देखिए यही है जो हम लोग, जो मैंने आप लोगों को बताया उसी को मैंने वर्ड में लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। 2x² + 4x - 3x - 6, यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे, तो x + 2, ठीक है, माइनस हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, x + 2, x + 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, इंटू 2x - 3, ये हो गया। नाउ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच x + 2, 2x + 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर x + 2 × 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू +3/2, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या रूट मिल गया, हेंस द रूट ऑफ गिवन, द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 एंड 3/2, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √2x² + 7x + 5√2। तो अब हम लोग इसे भी ब्रेक करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करें कि जोड़ने पे 7 आ जाए और इंटू करने पे हमारा क्या आ जाए, 2√2 × 5√2 इज इक्वल्स टू 10। हम ऐसा क्या इंटू करें कि इंटू करने पे 10 आ जाए और प्लस करने पे 7 आ जाए, तो चलिए बताइए ज़रा। पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। चलिए तो हम लोग क्या है, हम लोग का एक्सप्रेशन √2x² + 7x + 5√2। तो √2x², हाँ तो हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 10 आ जाए, √2x² + 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, x + 5√2। √2x² + 5x + 2x + √2 5√2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, हम लोग ये दोनों लेते हैं, ये दोनों टर्म लेंगे और ये दोनों टर्म लेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग आइए सिंपल करके लिख ही देते हैं, √2x² + 2x + 5x + 5√2। यहाँ से हम लोग
टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट टू बचेगा, प्लस फाइव कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट टू बचेगा। एक्स प्लस अंडर रूट कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये बच गया, ये आ गया हम लोगों के पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ हाँ बताइए जरा, नाउ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, फॉर विच एक्स प्लस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट टू एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। ठीक है, तो चलिए हमें क्या वैल्यू मिला, हैंस द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस अंडर रूट टू एंड माइनस फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू विच इज आवर आंसर। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिला है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट। टू फाइंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम ऐसा क्या इंटू करें कि हम ऐसा क्या प्लस करें कि प्लस करने पे हमारा वन आ जाए, और इंटू करने पे क्या आना चाहिए ये देखते हैं। टू इंटू वन बाई एट इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। ठीक है, हम ऐसा क्या करें कि प्लस करने पर वन आ जाए और इंटू करने पर फोर आ जाए, या फिर एक काम करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आइए, वैसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इजी रहेगा। जो हमारा अंदर वाला टर्म है इसको हम लोग, एक मिनट, पहले लिख लेते टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट। तो यहाँ से हम लोग एट कॉमन ले ले रहे हैं, हम लोग एट का इंटू अंदर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एट का डिवाइड और इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट। हम लोग क्या किए हैं, एट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एट बाहर ही रहेगा, और फिर ये हमारा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, और ये एट एट कैंसिल हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, चलिए, हाँ तो हमारा लास्ट इक्वेशन क्या बना था, वन बाई एट सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन। अब हम लोग इसको सिंपली कर, इसको अब हम लोग इजली कर लेंगे ना, ऐसा क्या इंटू करें कि, ऐसा क्या करें कि इंटू करने पे सिक्सटीन आ जाए और प्लस करने पे एट आ जाए, विच इम्प्लाइज दैट वन बाई एट सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर, फोर प्लस फोर एट, फोर इंटू फोर सिक्सटीन
एक्स प्लस वन, विच इम्प्लाइज दैट 1/8 16x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट 1/8, हम लोग यहाँ से 4x कॉमन ले लेते तो हमारा 4x माइनस 1 बचता है, और यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये माइनस 4x माइनस 4x होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा प्लस का 4x माइनस 1 होगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 1/8, ये हमारा 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और ये 4x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/8 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को नाउ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 1/8 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1/8 उधर चला जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही बचेगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, which implies that 4x is equals to 1 and 4x is equals to 1, which implies that x is equals to 1/4 and x is equals to 1/4. Hence, the root of given quadratic equation is 1/4 and 1/4, ठीक है, ये इसका दोनों रूट सेम आया है, 1/4 एंड 1/4। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। चलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज गिवन इक्वेशन। अब देखिए ऐसा क्या करें कि हमारा प्लस करने पे 20 आ जाए और इंटू करने पर 100 आ जाए, तो ये तो सिंपल है, 10 10 100, 10 प्लस 10 20, तो 100x² माइनस 100 प्लस 100x प्लस 1, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1, हम लोग 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, फिर 10x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टेन एक्स माइनस वन
टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, ये टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टेन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टेन एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड टेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टेन एंड एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टेन। सो हमें दो रूट्स क्या मिले, x इज इक्वल्स टू वन बाई टेन एंड x इज इक्वल्स टू वन बाई टेन, दोनों रूट सेम है, हेंस द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वन बाई टेन एंड वन बाई टेन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम लोगों को वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका सम 27 है और जिसका प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज, पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकेंड नंबर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर का सम है वो 27 है, ठीक है। तो हम अगर x में से 27 माइनस करेंगे, एक मिनट, जो नंबर का सम है वो 27 है ना, तो अगर हम लोग 27 में से x माइनस करेंगे तो हम लोग को दूसरा डिजिट मिल ही जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27, देन y इज इक्वल्स टू 27 माइनस x, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंड द सेकेंड नंबर बी y एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। हम लोगों को ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू 27 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं तो चलिए आइए देखिए हमें क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस y। इक्वेशन थ्री हम लोगों ने ले लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट, इक्वेशन टू और थ्री से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन टू में हम x की वैल्यू रख देंगे मीन्स 27 माइनस y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182, 27y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, अब हम क्या करते हैं इसमें से y माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इस 82 को भी इधर लेते आते हैं पहले,
27y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसका फ्रैक्शन कर देंगे। ऐसा क्या करें कि जोड़ने पे 27 आए और इंटू करने पे 182 आए, ठीक है। तो चलिए सोचिए जरा, ऐसा क्या करें कि हम लोग जोड़ने पे 27 आ जाए और इंटू करने पे 182 हो जाए। 13 × 14 करते हैं, 13 × 14 हमारा 182 हो जाएगा और 13 + 14 इज इक्वल्स टू 27। तो चलिए इसको करते हैं, y स्क्वायर माइनस 14 या 13 ही पहले लिख लेते हैं क्योंकि उधर से 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 14 + 13 + 14 y प्लस 182 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई स्क्वायर माइनस 13 y माइनस 14 y प्लस 182 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन लिया तो y माइनस 13 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। y माइनस 13 कॉमन ले लिया तो y माइनस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज डेट का साइन लगाना ना भूलिए, या तो विच इम्प्लाइज डेट लिखिए या तो फिर आप लोग और लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस 13 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई माइनस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड वाई इज इक्वल्स टू 14। हम लोगों को वाई की दो वैल्यू मिल गई, एक वाई इज इक्वल्स टू 13 मिला, दूसरा वाई इज इक्वल्स टू 14 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ वाई इज इक्वल्स टू 13 देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस 13, तो एक्स इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड सेकेंड हो जाएगा, इफ y इज इक्वल्स टू 14 देन x इज फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 14 x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो देखिए हमारा जो नंबर हो जाएगा, अगर y इज इक्वल्स टू 13 होगा तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, अगर y इज इक्वल टू 14 होगा तो x इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। मीन्स हैंस द नंबर इज थर्टीन एंड 14 विच इज आवर आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। हम लोगों को दो क्रमागत पूर्णांकों का ज्ञात करना है जिसके स्क्वायर का जोड़, मतलब पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट 2 है एंड कोई डिजिट 3 है, तो पहले 2 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। जिसके वर्ग का जोड़ 365 है, तो हम लोगों को वो दोनों क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है। चलिए, और धनात्मक भी है पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर करते हैं। हम लोग ये जानते ही है कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1। अगर 2 जैसे 2 3 है तो इसके बीच का डिफरेंस 1 हुआ, 9 10 तो 1 हुआ, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी
एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है, ये होता है तो ये हम लोग इसको मान लिए। अब यहाँ पे एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स इंटू वन प्लस बी का स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अब एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हम टू इसमें से बाहर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जब हम इसमें से टू कॉमन ले लेंगे तो 182 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। चलिए अब हम लोग को इसमें क्या करना है, देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही हमें नंबर मिल गया, लास्ट टाइम भी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें 182 था, है ना, कि ऐसा क्या करें कि माइनस कर, उसमें बीच वाला टर्म कुछ और था, उसमें जोड़ने पे था कि ऐसा क्या जोड़े कि जोड़ने पर क्या था 27 आ जाए और इंटू करने पे 182 आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा क्या करें कि माइनस करने पे 1 आ जाए और इंटू करने पे 182 हो जाए। तो प्रीवियस नंबर क्या था हमारा 13 और 14, अब देखिए 14 में से 13 माइनस कीजिए 1 बचेगा, है ना, माइनस करने पे 1 आना चाहिए तो 1 बच गया और 13 इंटू 14 182। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 14 माइनस का 13 हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स प्लस 14 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है, विच इम्प्लाइज डेट x प्लस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। x इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 13, ठीक है। अब देखिए हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया था, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर दिया था, तो हम लोग नेगेटिव नंबर को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन से बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर, हैंस 13 इज फर्स्ट नंबर बिकॉज ओनली पॉजिटिव नंबर इज एग्जिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही एग्जिस्ट करेगा, तो 13 इज द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 13 प्लस वन इज इक्वल्स टू 14, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14 विच इज आवर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड, ठीक है, क्या है, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका बेस हमें दिया है, कितना बेस मान लीजिए हमारा x दिया है, ठीक है,
और जो इसका एल्टीट्यूड है मीन्स इसकी जो लंबाई है वो क्या होगा, वो बेस से 7 कम है, मीन्स एक्स माइनस 7। ठीक है, और जो हमारा इसका हाइपोटेनियस है मीन्स जो कर्ण है, वो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है, हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, हमें आधार और लंब निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, सॉरी द राइट ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, हमने इसको एक्स मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देन इट्स एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस 7 एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम द पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, बेस का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का बेस क्या है, हम लोग का बेस है एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या दिया है हम लोगों का, 13, तो 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस इज गिवन, हाइपो टेनियस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 × 7 14x प्लस बी का होल स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू 169 13 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 120 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेके उधर भेज देते, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऐसा क्या करें कि माइनस करने पे 7 आ जाए और इंटू करने पे 6 आ जाए, ठीक है 60 आ जाए, तो 12 × 5 = 60, 12 − 5 = 7, एक्स स्क्वायर माइनस 12 − 5 × x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस का 5 हमने कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखिए माइनस 5 तो हम लोगों का एंगल का वो रहेगा ही नहीं, किसी भी ट्रायंगल का जो माप है हम लोग का माइनस 5 रहेगा नहीं, तो
हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस साइड ऑफ ट्रायंगल आर ओनली पॉजिटिव, ठीक है, केवल पॉजिटिव में होता है. सो एक्स कैन ओनली टेक 12. सो एक्स कैन ओनली टेक 12, ठीक है. चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? हैंस द बेस ऑफ ट्रायंगल, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7, विच इज 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज रुपीज 19, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्या बोला है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कोई एक इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है. एक विशेष दिन यह देखा गया कि एवरी कहाँ गया. क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे ऑन दैट डे. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज रुपीज 19, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, कोई एक इंडस्ट्री है जो वो बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रत्येक आर्टिकल का जो निर्माण में लागत है वो उस दिन के निर्माण में किए गए पॉटरी की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है. ठीक है, पहले जो डिजिट है वो उसका फिर 2 गुना, फिर उससे 3 अधिक है. यदि उस दिन का कुल निर्माण का लागत 90 रुपीस था तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हम लोगों को. ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं. क्या हो जाएगा? पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स. सो द कॉस्ट ऑफ production of each article b is कितना हो जाएगा? देखिए, number के twist मतलब 2 गुना plus 3 अधिक, ये हो जाएगा. फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डैट डे वॉज कितना? 90 रुपीज़। ठीक है, तो अब वी नो डैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एस है। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज हमारे पास 2x+3 है, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, वो x है। तो x इंटू 2x+3 इज इक्वल्स टू 90, विच इम्प्लाइज दैट 2x² + 6 इज इक्वल्स टू 90, 3x इज इक्वल्स टू 90, विच इम्प्लाइज दैट 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब हम ऐसा क्या माइनस करें, हम लोग ऐसा क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, ऐसा क्या करें कि माइनस करने पे 3 आ जाए और इंटू करने पे 180 आ जाए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम 15 12 पढ़ते हैं तो हमारा 180 आ जाएगा, और 15 - 12 3 आ जाएगा। 2x² + 15 - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज डैट 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 + 2x + 15 - यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 12 कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि फिर 12 के टेबल में 90 तो आता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं। हम लोग कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि हमारा जो अंदर ब्रैकेट वाला टर्म हो वो 2x + 15 आए। तो अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो -6 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2x + 15 × x - 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2x + 15 इज इक्वल्स टू 0, एंड x - 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -15/2 एंड x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम लोगों का क्या होगा, देखिए नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग का एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, x इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा एक x की वैल्यू थी -15/2 एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। देन इट्स क्लियर, that number of articles produced
कैन ओनली बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, कोई नेगेटिव में तो कोई सामान बना नहीं सकता। इंटीजर, सो एक्स कैन ओनली बी सिक्स, देयरफोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डे दैट डे ऑन दैट डे सिक्स, उस दिन टोटल नंबर कितने प्रोड्यूस हुए थे, सिक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सिक्स इंटू एक्स, यही था ना, एक्स इंटू टू था, क्या था, टू एक्स था, इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री था, मीन्स द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर एंड मोर देन थ्री, टू इंटू सिक्स प्लस थ्री मीन्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, विच इज़ आवर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 लेके आते हैं, बाय बाय।